नमस्कार। जिस तरह मैंने वीडियो बनाया हमारे MBBS प्रोडक्ट को लेके, तो उस पर भी काफ़ी कमेंट्स आए और फिर लोगों ने कहा कि सर सिमिलरली ये क्या है कि जब हम बच्चे को कनाडा ऑस्ट्रेलिया वगैरह भेजना चाहते हैं या इंडिया की बात करें तो कुछ लोग होते हैं जो एडवांस पैसे लेते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं जी काम के बाद दे देना, और कुछ लोग सारा काम फ्री में करते हैं। तो आप एक चीज़ और समझिए, देखिए MBBS इंडिया तो यूनिक चीज़ है जहाँ पर एक एक सीट भर जाती है हिंदुस्तान में, राइट, और इसलिए इतनी मारामारी है। लेकिन अगर मैं नॉन MBBS इंडिया की बात करूँ किसी भी कोर्स की, जो मिशन मैं समझाता हूँ आपको, चैनल पे पुराना वीडियो मिल भी जाएगा कि किस तरह से दोनों MBBS और नॉन MBBS में हम हिंदुस्तान के सारे एजुकेशन को बांट सकते हैं। अब चाहे हम इंडिया में पढ़ें, हम BTech की बात करें, BBA की बात करें, चाहे हम बाहर जाएँ, और बाहर में इवन इंक्लूड्स USA, मोटा मोटी हर जगह ना तीन तरह के कॉलेज हैं, जब पाँच भी बोल सकते तो मोटा मोटी तीन मानेंगे, एक रियली टॉप। तो मैं इंडिया की भाषा में समझाऊं, BTech लें तो सारी IITs, 23 IITs, NITs, IIITs, DTU, NSUT, IP यूनिवर्सिटी दिल्ली की बात करें, टॉप कॉलेजेस, थापर, VIT वेल्लोर, PES बेंगलोर, मणिपाल, ये सब आएंगे जो कि टायर वन कॉलेजेस हैं, बिट्स पिलानी, जहां पर जाने के लिए हम तरसते हैं, हम मरते हैं, राइट। पहले इसको समझाना है, तो ये हो गया टॉप। तो इंजीनियरिंग में आप लिख सकते हो द टोटल विल कम बी टू बी अबाउट 100 कॉलेजेस। ऑफकोर्स देखो इसके अंदर IIT दिल्ली वुड बी रियली टॉप, तो IIT दिल्ली और मणिपाल को इकट्ठे बोलना ठीक बात तो नहीं है, बट ऐसे तो बहुत सारे ब्रैकेट बन जाएंगे ना। तो ये वो ब्रैकेट मैंने बोला कि जिसमें आपको पता है कि एटलीस्ट प्लेसमेंट हो जाएगी, राइट। देन रियली कम्स द बॉटम, अगेन नॉट 100, वो तो शायद 500 होंगे, जिसमें आपको लोकेलिटीज़ के खुले हुए इंजीनियरिंग कॉलेज हर स्टेट में, वो हर नुक्कड़ पे फैले हुए हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, हर शहर में फैले हुए हैं, जहाँ पर यू नो इंजीनियरिंग कॉलेज को देखते हुए शर्म आती है कि क्या इंजीनियरिंग कॉलेज है। और फिर एक सेगमेंट उनके बीच का भी है, ये वो सेगमेंट हो जाता है जो टॉप नहीं है और बहुत ख़राब भी नहीं है, मोस्ट ऑफ दी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ दिल्ली के आसपास, अमेठी हो गया, KR मंगलम हो गया, या सुशांत हो गया, कुछ कॉलेजेस भी, हम दिल्ली से पानीपत की तरफ चलते हैं तो एक पाइट करके कॉलेज आता है, मेरा आसपास है तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, जो उसमें आएंगे जो बिल्कुल ख़राब नहीं है और डेफिनेटली टॉप क्लास नहीं है, कलिंगा, भुवनेश्वर, इस तरह कॉलेजेस आना शुरू हो जाएंगे, राइट। ये भी आपको हर स्टेट में मिलेंगे। अब ब्रैकेट 2 और ब्रैकेट 3, ये BTech हो गया, ऐसे ही मैं आपको BBA बता सकता हूँ, ऐसे ही मैं आपको ये कह सकता हूँ कि फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी परस्पेक्टिव मैं UK जा रहा हूँ पढ़ने, सो टायर वन में आपका ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, लंडन स्कूल ऑफ बिजनेस, लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, वॉरविक, ये बिल्कुल टॉप क्लास हो गई, एडिनबरा। हम US की बात करें, हम सभी नाम बचपन सुनते आ रहे हैं, हार्वर्ड, स्टैनफर्ड, MIT, कॉर्नेल, ड्यूक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी, ये सब हो गई एक टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज़। फिर बॉटम भी होंगी, और इनसे नेक्स्ट लेवल अगर मैं UK की बात करूँ तो इससे नेक्स्ट लेवल आ जाएगा, यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स, यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल, जिसको ये लोग रसल ग्रुप की भाषा में बोल देते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो, सिमिलरली क्रैनफील्ड यूनिवर्सिटी, वैसे वो टॉप में भी आ जाएगी क्रैनफील्ड, बट मोटा मोटी आप समझ रहे हो। और ये नेक्स्ट लेवल होगा जो कि अनदर, आपको ये भी देखिए पता होना चाहिए, इंडिया इज़ वेरी बिग, ये कंट्री इतनी बग नहीं है, ऐसे USA में आएगा नेक्स्ट लेवल, ऑस्ट्रेलिया में नेक्स्ट लेवल आएगा टॉप 3-5 के बाद, जिसमें उतनी टॉप नहीं है लेकिन ठीक ठाक सी आ जाएंगी, मुनाश आ जाएगी, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड आ जाएगी, हल्का सा और नीचे आएंगे तो DKN नानी शुरू हो जाएगी। और फिर इन सब देशों में बॉटम भी है, तो हम UK की बात करेंगे तो वो जो नीचे वाली रैंक की स्टार्ट हो जाएंगी, यू नो, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ कम्बरिया, वो जो 82 to 120 रैंक आपको जो UK में नज़र आएगी, उस तरह की आपको बहुत सारी नज़र आनी शुरू हो जाएंगी, बर्मिंगम सिटी यूनिवर्सिटी, नॉटिंगम ट्रेंट यूनिवर्सिटी, एंजेलिया रस्किन यूनिवर्सिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब देखिए हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, तो जो बॉटम सेगमेंट है वो डेफिनेटली जब कोई भी कंसल्टेंट बच्चे को वहाँ भेजता है, सो वी गेट इंसेंटिव फ्रॉम दैट यूनिवर्सिटी और कॉलेज। सो इंडिया में भी वो कॉलेज हो चाहे यूनिवर्सिटी हो, अब्रॉड हो, वो हमको इंसेंटिव देते हैं कि हम उनके लिए स्टूडेंट ऑब्लिक कस्टमर भेज रहे हैं। टॉप से तो मतलब है ही नहीं, वो हमें क्यों देगा, उनके यहाँ तो लोग जाने को तरस रहे हैं। इंडिया में IIM या अगर MBA की बात करें तो IIMs, FMS, MDI, HRI, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो फिर से वो डिफरेंशिएशन हो गया। और जो टायर 2 है, मैंने कहा वो बड़ा टायर है, उसमें कुछ यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज होते हैं जो इंसेंटिव देते हैं, कंसल्टेंट को जो रिकमेंड कर रहे हैं, कुछ है जो नहीं देते हैं।
तो मोस्टली मार्केट में क्या होता है, जो बड़े बड़े प्लेयर हैं, अगर मैं स्टडी अब्रॉड की बात करूँ या मैं इंडिया एडमिशन्स की बात करूँ, दे जनरली एक्चुअली वर्क इन टायर थ्री. तो वो आपको वहीं भेजेंगे जहाँ से इंसेंटिव आना है और ज़्यादा से ज़्यादा आना है. बस उनकी काउंसलर्स को ट्रेन किया जाता है कि तुम्हें मैक्सिमाइज करना है अपना रेवेन्यू, अपना प्रॉफिट. तो आप जैसे ऑस्ट्रेलिया में 1 से 40, 42 यूनिवर्सिटी एग्जैक्टली, आपकी पोजीशन या रैंक ऐसी है कि आप नंबर 18 पे जा सकते हो. मैं मानता हूँ टॉप 4 में नहीं जा सकते, जनरली वो महंगी भी होती है, लेकिन आप सेम फीस के बजट में आप नंबर 18 पे जा सकते थे, पर आपको नंबर 32 पे भेजा गया क्योंकि वहाँ से इंसेंटिव ज़्यादा आ रहा है. राइट, ऐसे इंडिया में आपको उस कॉलेज में भेजा जाता है कभी कभार जहाँ से इंसेंटिव कंसल्टेंट को ज़्यादा आ रहा है. हम एज ए जी के वर्स, चाहे एम बी बी एस इंडिया करें, चाहे स्टडी अब्रॉड करें, चाहे इंडिया एडमिशन्स करें, हमारी पॉलिसी स्टैंडर्ड है कि अगर बच्चा नंबर 8 पे डिज़र्व करता है जाना, तो मैं नंबर 7 या 6 पे उसको भेजने की कोशिश करूँ. और कभी कभार नंबर 6 ऐसा होगा जहाँ से मुझे इंसेंटिव नहीं आएगा. मैं बात करूँ स्टडी अब्रॉड या इंडिया नॉन एम बी बी एस एडमिशन की, आई एम रिपीटिंग, एम बी बी एस इंडिया में कोई कॉलेज को इंसेंटिव देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो डिमांड इतनी है ना एम बी बी एस कोर्स की इंडिया में. बी डी एस में इंसेंटिव मिलता है जस्ट टू टेल यू, जो लोग आपको बी डी एस में भेजते हैं या बाकी जगह भेजते हैं. सरकारी बी डी एस में नहीं मिलेगा ऑफकोर्स, बट काफ़ी प्राइवेट देती हैं. तो ये सब राज की बातें हैं. तो हम कोशिश करते हैं, मैं कोशिश करता हूँ, बिकॉज मैं हमेशा कहता हूँ कि बिफोर एन एजेंट वी आर अ काउंसलर, बिफोर अ काउंसलर वी आर अ करियर मेंटर, मेंटर और काम हम बहुत पैशन से मैं करता हूँ. और मेरा एक लाइफ का मोटो है कि एवरीबडी शुड रीच द बेस्ट ऑप्टिमल लेवल ऑफ हिज और हर स्किल सेट और पोटेंशियल. और इसलिए कभी कभार हम चार्जेस मांगते हुए नज़र आते हैं, तो लोगों को लगता है सर हम तो एक बहुत बड़े नाम में गए थे जो ऑस्ट्रेलिया का नंबर वन है, पूरी इंडिया में उसके ऑफिस है, वो तो फ्री ऑफ चार्ज सारी प्रोसेसिंग करता है, आप चार्जेस क्यों मांग रहे हो? मैं यही कहता हूँ, मैं इसलिए मांग रहा हूँ ताकि मुझे आपको वहाँ ना भेजना पड़े जहाँ से हमें इंसेंटिव मिलता है. अब लॉजिक बात है ना, इंसेंटिव तो वहीं से मिलेगा जो रैंक में क्वालिटी में लो है. जिसकी सीटें ना भर रही हैं वो इंसेंटिव क्यों देगा? और कभी कभार ये भी होता है कि हमने कोशिश की नंबर 5 पे आपको भेजने की, लेकिन नंबर आप 8 पे चले गए जहाँ से शायद हमें थोड़ा इंसेंटिव आ रहा है. लेकिन हम डेफिनेटली कभी भी आपको नीचे वाले रैंक पे भेज के अपना मैक्सिमाइज इंसेंटिव करने की कोशिश नहीं करते हैं. और इसी वजह से हम अपने चार्जेस भी लेते हैं जब हम अब्रॉड जाते हो हमारे थ्रू या इंडिया में भी एडमिशन्स कराते हो, ताकि आपको हम बेस्ट पॉसिबल कॉलेज के लिए ट्राई तो करें. और इसलिए मेरा हमेशा मोटो है कि स्टूडेंट से या क्लाइंट से पैसे लो, सो दैट आई कैन वर्क बेस्ट फॉर देम rather than taking money from colleges, then you will work for college, isn't it? बड़ा सिंपल लॉजिक है कि या तो आप प्रोडक्ट हो स्टूडेंट या कॉलेज है. तो अगर आप मुझे पैसा दे रहे हो तो मैं आपके भले के लिए, आपके लिए बेस्ट सोचूंगा. अगर कॉलेज से मुझे पैसा कमाना है तो फिर मैं उसके हिसाब से सोचूंगा. मैं मतलब मैं नॉर्मल एक मार्केट की बात कर रहा हूँ. और इसलिए शायद उन लोगों को करना पड़ता है या आपको उस जगह भेजना पड़ता है, जब आप पहुँच के बच्चे को सदमा लगता है कि अरे मैं किस कॉलेज में, किस यूनिवर्सिटी में पहुँच गया इंडिया और अब्रॉड. सेम पॉलिसी हम एम बी बी एस में भी फॉलो करते हैं. यू नो दैट जो भी हमारे क्लाइंट पहले रह चुके हैं कि इंडिया में मिलना कुछ नहीं है, लेकिन एक बड़ा आसान होगा कि मैं राउंड 1 या 2 में किसी को कोई भी कॉलेज दिला के अपनी जान छुड़ाऊं. एक होता है कि हम 3rd-4th राउंड तक किसी के लिए स्ट्रगल करते रहते हैं, दिमाग अपना खपाते रहते हैं ताकि यू गेट द ऑप्टिमल सीट. और हमने तो सेम ही फीस ली है ना, तो ये फ़र्क है ये मैं समझाना चाहता था. और किसी भी हमारे जी के वर्ष के काम के लिए आपको संपर्क करना है 9643362320, यही नंबर डिस्क्रिप्शन पे भी लिखा है. मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि वी डोंट मेक आउटबाउंड कॉल्स, वी डोंट कॉल एनीबॉडी, एंड हमारे पास जो भी कस्टमर्स आते हैं वो रेफरेंस से आते हैं और इसलिए हम चार्ज लेकर ही बात करते हैं. फर्स्ट फ़ोन पे बात करने का भी 2500 रुपये चार्ज रहता है, मिलने का मिनिमम 5000. और फिर जो भी आप प्रोडक्ट ले रहे हैं उसके हिसाब से जो भी हमारा प्राइसिंग है, पैकेजिंग है, उसमें ये प्राइस, ये कॉस्ट एडजस्ट भी हो जाती है. सो तभी हमें संपर्क कीजिए जब आप हमसे फ़ीस दे के हमसे बात करने में इंटरेस्टेड हैं, हमारी काउंसलिंग कंसल्टिंग लेने में इंटरेस्टेड है. 9643362320. आपका दिन शुभ हो. नमस्कार, बाय बाय.